जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट्स, दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे, हमारे जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होने वाला है, तो आज का टॉपिक होगा इकोनॉमी एंड बैंकिंग, और दूसरा होगा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी SSC GD कॉन्स्टेबल की कर रहे हो, CRPF की कर रहे हो, या BSF की कर रहे हो, या SSB की कर रहे हो, या किसी भी SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या बैंकिंग के भी कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने रखे हैं वो सब करंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। इससे पहले मैंने आप लोगों का करंट अफेयर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी अफेयर्स थे उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते अपनी क्लास की तरफ और स्टार्ट करते अपने आज के क्वेश्चंस को। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। आपके पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द उद्यम सारथी ऐप? ठीक है, आपके यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन से राज्य में उद्यम सारथी ऐप जो है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डाटा फॉर यूथ, तो कौन से युवाओं के लिए रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया गया था या किया गया है? आपके ऑप्शन हैं वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कौन से स्टेट में उद्यम सारथी का जो ऐप जो लॉन्च करा गया था, प्रोवाइड किस लिए? एम्प्लॉयमेंट, ताकि वो बच्चों को क्या उससे रिलेटेड ये ऐप क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ताकि ये यूथों को डाटा प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से स्टेट में था? तो वो स्टेट है आप लोगों का उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो युवाओं के लिए जो रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए किसमें उत्तर प्रदेश राज्य ने उद्यम सारथी ऐप का लॉन्च किया था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बातें बता दूं। उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर आपको सबको पता है योगी आदित्यनाथ ने ये लॉन्च किया था उद्यम सारथी ऐप ऑन द ओकेजन ऑफ 71st फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट। डेट याद रखना, ये जो उद्यम का जो ऐप आया था, ये आया था आपका 24 जनवरी 2021 को। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, वो भी किस लिए, जो उनका 71 जो स्थापना दिवस था उसके अवसर पर इन्होंने ये ऐप को लॉन्च किया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखोगे, ये जो ऐप देखोगे, युवाओं के स्वरोजगार और नौकरी से संबंधित हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम होगा। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जितनी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जितनी भी आपकी जॉब से रिलेटेड जो चीजें होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन ये आपको यहाँ से प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया, ताकि अगर आप लोग देखोगे जो उद्योग जो पूरे राज्य भर में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी से 26 जनवरी 2021 तक ये चला था। क्लियर हो गया, तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे योगी आदित्यनाथ ने इस ऐप को लॉन्च किया था। डेट भी याद रखना, 24 जनवरी 2021। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SIFS? तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की वैधता जो है, अवधि जो है, वो उसकी टाइम पीरियड लिमिटेशन कितनी होती है, 3 साल की, 2 साल की, 5 साल की, या फिर 10 साल की। जल्दी से जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस के कमेंट करके आंसर बताते रहना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है आप सारे बताओ, ताकि आप ये देखो कि आप जो है, अगर आप लोग करंट अफेयर्स आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो उससे भी जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो क्या आप उसको कर पाएंगे। क्लियर हो गया, तो देखो अगर बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया जो सीड फंड स्कीम है, जिसकी वैलिडिटी पीरियड देखी जाएगी तो वो कितनी होती है, 5 साल की। ठीक है, 5 ईयर्स की होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसके हम इसके बारे में कुछ समझेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो
945 करोड़ का जो ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो चलाया गया था, ये इस साल के डेट याद रख लो 1 अप्रैल से 2025 तक चालू रहेगी। इट मीन्स आप लोगों का ये इसी साल 2021 में ये चालू किया गया और ये अब कब तक, 2025 तक, 1 अप्रैल के 2025 तक ये चालू रहने वाला है। ठीक है, ये इसी साल 1 अप्रैल को, ठीक है, ये इसी साल 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। मैंने आपको क्या बताया, इसकी अवधि 5 साल तक होती है। इट मीन्स ये 2025 तक ये चालू रहेगी और जहां पर सरकार द्वारा एक गजट अधिसूचना के अनुसार इसे पूरे भारत में चयनित इंटरव्यूटर के माध्यम से वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपको इसके टाइम पीरियड जरूर पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये स्टार्टअप इंडिया सीड जो फंड स्कीम है, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य ये है कि ये स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट का प्रमाण क्या है कि ये आपका प्रोटोटाइप को विकास कर सके। इसमें आप लोगों का जो प्रोडक्ट ट्रायल है, मार्केट में एंट्री है, इन सब के लिए एक वित्तीय सहायता ये प्रदान करना है। साथ ही साथ इसने क्या बताया, यहाँ पे 5 करोड़ रुपए यहाँ पे अनुदान देना है। ठीक है, ग्रांट दिया था इन्होंने और साथ ही साथ इन्होंने प्रोवाइड करना है सिलेक्टेड इंक्यूबेटर इन मिलस्टोन बेस 3 और मोर इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर इनको क्या करना है, 3 से या उससे अधिक किस्तों में चयनित जो है इन लोगों को 5 करोड़ से ज्यादा प्रदान किए जाएंगे। ये इसका उद्देश्य था स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसकी टाइमिंग डेट है, ये कब लॉन्च हुआ था और इसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है, उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सीनियर सिटीजन ऑफ व्हाट एज हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। तो किस उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन की कितनी एज होगी जिनको अब इनकम टैक्स रिटर्न जो है उससे अब फ्री कर दिया जाएगा, उनकी एज कितनी होगी, 60 से ऊपर या 65 ईयर्स से ऊपर या 70 ईयर्स वाले से ऊपर या 75 के ऊपर वाले जो भी आप लोगों के सीनियर सिटीजन्स हैं। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर उतने 75 इयर्स और अबव यानी कि 75 वर्ष के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं या उससे अधिक जिनकी भी एज है, उनको यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई थी, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न इनको क्या कर दिया था, छूट दे दिया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर इसके बारे में मैं आप सबको बता दूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनियन बजट 2021 की बात है। यहाँ पर जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमण, याद रखना ये एग्जाम में आएगा, निर्मला सीतारमण ने भी घोषणा की थी कि 75 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके पास केवल आय के स्रोत के रूप में पेंशन या फिर ब्याज ही होता है, ठीक है, उनके पास, क्योंकि आप लोग जानते हो जितने भी यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन होते 75 के, उनके पास जॉब नहीं होती है। ठीक है, तो वो उनकी जो लाइफ चलती है वो किस बेस पर चलती है, पेंशन पे या फिर इंटरेस्ट पे। तो उन्हें एज अ सोर्स अगर आप देखोगे, उन्हें आयकर जो रिटर्न दाखिला करने से उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर छूट दे दी गई थी। क्लियर हो गया, आप लोगों को ये बात भी पता होना चाहिए कि ये बात जो है किसने दी थी, ये किसने बात बोली थी, किसने ये घोषणा की थी। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, द इंडियन एयरफोर्स हैज ऑर्गेनाइज द एक्स डेजर्ट नाइट 21 विद द नेवीज ऑफ विच कंट्री। तो भारतीय वायुसेना ने किस देश की नौसेनाओं के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया है। आपके पास ऑप्शन है जापान, रशिया, सिंगापुर या फिर फ्रांस। तो अगर मैं बात करूं कि इंडियन एयरफोर्स जो है इन्होंने एक्स डेजर्ट नाइट 21 जो है वो किसके साथ, फ्रांस के साथ, ठीक है, फ्रांस के साथ इन्होंने आयोजन किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो डेट भी आप लोगों को याद रखनी है। मैं आपके इसमें ओवरव्यू इसलिए बताती हूँ, थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि इस पॉइंट के अलावा अगर आप लोगों को कुछ और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप उसको भी कर पाए। क्लियर हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 5 डे लॉन्ग इंडो फ्रांस का ये बायलेटरल एयर एक्सरसाइज चला था एक्स डेजर्ट नाइट 21। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 20 जनवरी 2021 से इसको कंटिन्यू बढ़ा करके कितना कर दिया गया,
24 जनवरी 2021 तक। याद रखना 20 जनवरी 2021 को ये शुरू हुआ था, ठीक है, और 20 जनवरी 2021 तक ये जारी रहा था। इट मीन्स ये 4 दिन चला था, ठीक है, 4 से 5 दिन ये हमें देखने को मिलता है। तो 20 से लेकर के 24 तारीख तक आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, जितने भी आपके इंडियन फोर्स, एयर फोर्स और फ्रेंच के एयर फोर्स थे, इन्होंने क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था एक्स डेजर्ट नाइट 2021 में एट एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर में। याद रखना इन्होंने भाग लिया था, स्टेशन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो सेना स्टेशन जोधपुर में जो एक्स नाइट 2021 है उसमें भाग लिया था। अपनी तरह का जो पहला द्विपक्षीय जो बाइलेटरल इन्होंने यहाँ पे अभ्यास किया था वो देखोगे XDK-21। इन्होंने दोनों पक्षों के राफेल विमान के एक साथ भारतीय वायुसेना की Sukhoi-30, ये जितने भी आपको यहाँ पे हाईलाइट दिख रहे हैं आपको याद रखना, Su-30 MKI एंड Mirage-2000 एयरक्राफ्ट ऑफ द IAF, इन्होंने यहाँ पर क्या करा, इन विमानों ने लार्ज लार्ज फोर्स इंगेजमेंट जो है इसको सहित जटिल मशीनों को अंजाम दिया था। तो ये इन लोगों ने मिल करके इंडिया के एयरफोर्स ने और फ्रांस के एयरफोर्स ने में पार्टिसिपेट किया था, कहाँ पर, जोधपुर पर। डेट याद रखने 20 से 24 जनवरी तक। और इन्होंने ये दो नाम जरूर याद रखना कि किस कौन से मिशन पे इन्होंने काम किया था, किसको अंजाम दिया था, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो अगर आपको करंट अफेयर्स कर रहे हो तो डिटेल में पॉइंट्स पढ़ लो, कम से कम इतना पढ़ लो कि किस में डेट क्या थी, कितने समय तक काम किया था और इनमें इन्होंने क्या क्या काम किया या फिर इनका क्या उद्देश्य था। क्लियर हो गया, आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, हु वॉन द इन्फोसिस प्राइज 2019 इन द इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस कैटेगरी। स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो करंट अफेयर्स आप लोगों के आएंगे इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो इंजीनियरिंग और जो कंप्यूटर विज्ञान श्रेणी में, तो यहाँ पर आपके इन्फो जो पुरस्कार था 2019 वो किसने जीता था। आपके ऑप्शन है सुनीता सरावणी ने, मंजुला रेड्डी ने, या फिर मनुवी देव ने, या फिर जी मुके मुजेश ने। तो यहाँ पे आपको जल्दी से कमेंट करके बताओ किसने ये इन्फोजो का प्राइज जीता था, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर आप लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अगर अभी आप लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया है तो स्टार्ट कर दो आप लोग, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनीता सरावगी है जिनको ये पुरस्कार मिला था, जो ये जीती थी। क्लियर हो गया, तो आप सबका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस हाउ मच कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन, तो सरकार ने कपास पर जो सीमा शुल्क है वो कितना लगाया था वो आपको बताना है, कॉटन पे पूछा है, ठीक है। कॉटन है आपके ऑप्शन 10%, 15%, 20% या फिर 25%। तो गवर्नमेंट अगर आप बात करोगे कॉटन पे, उन्होंने कस्टम ड्यूटी जो लगाई थी, जो सीमा शुल्क लगाया था वो लगाया था स्टूडेंट आपका 10%, ठीक है, 10% उन्होंने कॉटन पे लगाया था। अगर इसकी जगह आप लोगों से सिल्क पूछ लिया जाए, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि उन्होंने सिल्क पर कितने कस्टम ड्यूटी या कितना सीमा शुल्क लगाया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सिल्क पर गवर्नमेंट ने कॉटन पे तो 10% लगाया था, लेकिन सिल्क पर कितने परसेंट लगाया था, अगर आपके एग्जाम में सिल्क का पूछ लिया जाए तो वो लगाया था आपके 15%, 15% लगाया था। क्लियर हो गया, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, 15% सिल्क पर इन्होंने सीमा शुल्क लगाया था। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका आया एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, रिगार्डिंग द प्रपोजल सेट फॉरवर्ड इन द बजट 2021, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ बजट 2021 में निर्धारित प्रस्तावों से संबंधित दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है वो कथन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों ही गलत है, या फिर दोनों सही है, ठीक है। आइए सर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट में क्या दिया है। पहला स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल। तो सरकार ने राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक पेश करने का प्रस्ताव किया है,
दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑल्सो प्रपोज नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेटेड इनिशिएटिव, सरकार ने राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल का भी प्रस्ताव रखा था। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ ये दोनों स्टेटमेंट जो है बजट से रिलेटेड 2021 में, इन दोनों में कौन सी बातें सही हैं, कौन सी गलत हैं, या फिर दोनों ही सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। जल्दी जल्दी बताओ, जितने भी स्टूडेंट आप सबको पता है, आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है, आप लोग पार्टिसिपेट करो, जितने भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, जितने भी स्टूडेंट इसको बाद में भी वीडियो को देखते हो, कमेंट करके ज़रूर आंसर बताया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ जो क्वेश्चन कर रहे हो तो एज आ प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोग इन क्वेश्चनों का जवाब एग्जाम में आएगा तो कर पाओगे या नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है वेयर इज द बजट इंट्रोड्यूस इन इंडिया एवरी ईयर, तो ये तो आई होप आप सभी को आंसर पता होगा कि भारत में हर साल बजट कहाँ पेश किया गया है, ठीक है, कहाँ पे हर साल हम लोग बजट जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो कहाँ पर हर साल भारत में पेश किया जाता है, राज्यसभा में, लोकसभा में, संयुक्त सत्र यानी कि ज्वाइंट सेशन में, या फिर राष्ट्रपति भवन में। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भारत के हर साल जो बजट है वो कहाँ पर पेश किया जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, ज्वाइंट सेशन या फिर राष्ट्रपति भवन। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा कि जो बजट हमारे भारत में हर साल जो देखा जाता है वो कहाँ पर पेश किया जाता है, वो पेश किया जाता है आपके लोकसभा में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में हर साल भारत में बजट जो है वो कहाँ पे पेश करते हैं, लोकसभा में, क्लियर हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सबका ऑप्शन नंबर बी होता है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे द बजट इज प्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ द फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल, इट हैज टू बी पास्ड बाय लोकसभा बिफोर इट कैन कम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल द स्टार्ट ऑन इंडिया फाइनेंशियल ईयर। तो आप सबको मैक्सिमम सबको इस बारे में पता होगा, तो याद रखना 1 अप्रैल जब आप लोगों का एक नया बजट सामने आता है उससे पहले ये लोकसभा के पास जाता है, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर जब इसको पास करता है तब हमारे पास ये 1 तारीख को यहाँ पे लागू करते हैं, ठीक है, तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारा इस साल का क्या बजट आया, क्लियर हो गया। तो ये तो बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक था, आई होप मैक्सिमम बच्चों ने इसको कर लिया होगा। तो कितने स्टूडेंट को इसका आंसर पता, जल्दी से कमेंट करके बताना, क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी स्टूडेंट आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप उसको छोड़ के आ जाते हैं, क्लियर हो गया। नाउ आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ऑन 3 दिसंबर 2019 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी सेकंड मिसाइल, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ द मिसाइल। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 3 दिसंबर 2019 को भारत ने अपनी स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम पृथ्वी सेकंड जो मिसाइल निकाली थी उसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या थी, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या फिर 350 किलोमीटर। जल्दी से बताओ, आप लोग देख सकते 2019 का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे बताना है इसका जो रेंज है मिसाइल का वो कितना तक, कितनी दूर तक ये जा सकता था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसका करेक्ट आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर डी, 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर ये दूर ये मिसाइल हमें देखने को मिल सकती है, इसका रेंज कितना था, 350 किलोमीटर। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर इसके बारे में मैं आप सबको कुछ बातें बता दूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय सेना के सामरिक बल कमान ने चांदीपुर के एकत्रित परीक्षण रेंज की लॉन्च आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3rd के एक मोबाइल लॉन्चर ने 350 किलोमीटर रेंज की मिसाइल का उपयोग करता परीक्षण किया था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कॉम्प्लेक्स 3rd इन्होंने जो लॉन्च किया था उसके थ्रू, ये एक जगह भी याद रखना है चंडीपुर, ठीक है, चंडीपुर भी आपको ये चीज याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए, चांदीपुर आपको ये याद रखनी है। तो सामरिक बल कमान ने चांदीपुर में, ठीक है, जगह भी आपसे पूछ दिया है तो याद रखना चांदीपुर। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को दोबारा से देखना और एक अच्छा सा नोट्स बना लो, करंट अफेयर्स की एक अच्छी सी
कोई और कोई कॉपी बना लो जहां पर आप हमेशा हेडिंग डालो कि आप लोगों का ये इकोनॉमिक बैंकिंग से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल से आते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से ऐसे आते हैं, डेट और डेज से ऐसे आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इस तरीके से अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करोगे ना तो आपको करंट अफेयर करने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स से बेस भी मैं आगे क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं स्पोर्ट्स से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस साल का यूपीएससी तक का एग्जाम देखा होगा जो भी प्री हुआ था तो रिसेंटली में 10 अक्टूबर को, तो वहां पर भी स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूरे चांसेस है कि आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले, तो वो सब कुछ करेंगे हम लोग, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है, साथ साथ हमारे साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहना है और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है, अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज इम्पोज मोटेरियम ऑन यस बैंक। तो ये आपका इकोनॉमिक और बैंकिंग से क्वेश्चन है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम जो 1949 की किस धारा के तहत वित्त मंत्रालय ने यस बैंक पर रोक लगा दी थी, सेक्शन 47, सेक्शन 35, सेक्शन 49 या फिर सेक्शन 45। तो अगर आपका यहाँ पे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कौन से जो यस बैंक पर रोक लगा दी गई थी वो किस धारा के तहत लगाई थी, तो वो थी आपकी धारा 45-45, ठीक है। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। समझ में आया आप सबको यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई नोटिफिकेशन हु विल साइन द न्यू 1 रुपीज करेंसी नोट। तो आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर करेंगे, कौन हस्ताक्षर करता है, जो 1 रुपए का नोट आपने देखा होगा उस पर कौन साइन करता है, आरबीआई का गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन है, सबको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम सबको पता होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि कौन जो 1 रुपए का जो नोट है उस पर कौन हस्ताक्षर, कौन साइन करेगा, आरबीआई गवर्नर, वित्त मंत्रालय जो मंत्री है, वित्त सचिव या फिर भारत के राष्ट्रपति। जल्दी से जल्दी कमेंट करो, जल्दी, आप लोगों का पार्टिसिपेशन हमारी क्लास में अच्छा रहेगा तो आपको ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और हम बहुत अच्छी तैयारियां भी करते रहेंगे। करंट अफेयर से आपसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा आप इजिली से कर पाओगे, ठीक है। तो आप पूरी कोशिश करो, अपने ओर से भी आप यहाँ पे अपना अटेम्प्ट दो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, जवाब देते रहो, तो ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यहाँ पर जो 1 रुपए का जो नोट होता है, करेंसी होती है, उस पर जो साइन होगा वो होगा आपके फाइनेंस सेक्रेटरी पे यानी कि वित्त सचिव पे। तो यहाँ पर आप सबका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो आपका 2 रुपए का नोट होता है, ठीक है, और आपके 5 रुपए का जो नोट, 10 रुपए का, 100 रुपए का, इन सब नोटों पे किसके साइन होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं, कमेंट करके आप सब लोग मुझे बताएंगे। मैं ये जरूर देखूंगी कि कितने स्टूडेंट को ये बातें पता है और कितने बच्चे यहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर हो गया, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इन विच प्लेस द इंडियन आर्मी हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर टू स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक मिसाइल। तो भारतीय सेना ने किस स्थान पर 2 स्पाइक लंबी दूर की टैंक रोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। जगह आपको बतानी है, आपके ऑप्शन दे रखे थे, जोधपुर यानी कि राजस्थान में, पोखरण जगह जो कि राजस्थान में है, महू यानी कि मध्य प्रदेश, पुणे यानी कि महाराष्ट्र। तो भारतीय सेना ने जो आपके 2 स्पाइक जो दूरी है का एक जो ये आप लोगों का चलाया था 2 स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक जो मिसाइल चलाई थी, इसका जो सफल परीक्षण हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पर किया था, तो वो आप लोगों का किया था महू यानी कि मध्य प्रदेश एमपी में किया था। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है, विच मून ऑफ जुपिटर हैज बीन फाउंड टू हैव द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। बृहस्पति के किस चंद्रमा में जलवाष्प की उपस्थिति पाई गई है, यूरोपा, एरियल या फिर
टाइटेनिया या फिर डीमोस। बहुत अच्छा आपका ये साइंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपसे क्या पूछा गया है कि बृहस्पति यानी कि जो जुपिटर है वो किस चंद्रमा में जल वाष्प से यानी जो वाटर पेपर की जो हमें वह देखने को मिलता है उसकी उपस्थिति देखने को मिलती है, तो वो कौन सा चंद्रमा में हमें देखने को मिलती है, वो आपका है यूरोपा। राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इससे रिलेटेड मैं आपको चीज बता दूं तो अमेरिका का जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के 79 जो चंद्रमा है, ठीक है, तो 79 मून्स ऑफ द जुपिटर में से एक पर क्या है, जल वाष्प यानी कि हमें वाटर वेपर की मौजूदगी की पुष्टि की है। 79 मून में से जो जुपिटर में है, ठीक है, 79 मून में से जुपिटर में जो है उसमें से एक में किसने, नासा ने एग्जाम में आ जाए, किसने ये बात बताया था, किसने ये बात बताई थी, बोली थी कि उस तो एक मून में हमें वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प की प्रेजेंस देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। द रिसर्चर डिटेक्टेड प्लम लाइक फॉर्म ऑफ वाटर वेपर अबव, जिसे उसका नाइम जो देखने को मिलता है वो क्या था, यूरोपा आईसी सरफेस, ठीक है। तो याद रखना ये यूरोपा की बर्फीली सतह के ऊपर जल वाष्प के प्रेजेंस जैसे रूपों का पता लगाया गया जिन्हें उत्सर्जित अवरक्त प्रकाश की तरंग दैधर्ण्य के रूप में पाया गया था। क्लियर हो गया। तो ये बात किसने बोली थी, नासा ने बोली थी, ये बात भी आप लोग याद रखना। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये आपका बजट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका इन बजट 2020 इंश्योरेंस कवर फॉर बैंक डिपॉजिट टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹1,00,000 टू, तो बजट जो 2020 का जो हमें बजट देखने को मिलता है उसमें बैंक जमा करने के लिए बैंक में बीमा कवर जो है वो ₹1,00,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 या फिर 6,00,000। जल्दी से कमेंट करके बताओ, 2020 के बजट की बात कर रहा है उसमें जो बैंक में जमा करने के लिए जो बीमा कवर रुपए में जो बीमा कवर है आप लोगों का इंश्योरेंस कवर को कितना बैंक में 1,00,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया था, तो वो कर दिया था आपका 5,00,000। कितना बढ़ा दिया था, 1,00,000 से बढ़ा करके 5,00,000 कर दिया था। तो यहाँ पर आप सबका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया आप सबको। यहाँ तक बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आगे भी मिलते रहेंगे, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चंस लेकर आएं। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि करंट अफेयर्स से आपको किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस चाहिए, ज़्यादातर क्वेश्चन करना चाहते हो तो हम उस पर भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएंगे, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म कॉल्ड पायोनियर बैंकिंग, किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने पायोनियर बैंकिंग नामक अपना धन प्रबंधन मंच लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है यस बैंक ने, या फिर इंडस बैंक ने, HDFC बैंक ने, या फिर एक्सिस बैंक ने। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किस भारतीय निजी क्षेत्र, किस इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक ने आपका पायोनियर कॉल जो है, पायोनियर बैंकिंग जो है नामक अपना धन प्रबंधन जो लॉन्च किया था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे ये आपकी इकोनॉमिक और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नेम द पेमेंट बैंक विच हैज लॉन्च्ड भविष्य सेविंग अकाउंट टू स्कीम फॉर माइनर एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। तो उस भुगतान बैंक का नाम बताओ जिसने 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता जो है योजना शुरू की है, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो, फिनो या फिर पेटीएम। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताओ। मैक्सिमम आई होप सबको पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता वो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको हमेशा पता होगा कि अगर हम बात करेंगे 10 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं जो कि नाबालिग होते हैं तो उनको जो सेविंग्स भविष्य के लिए जो खाता योजना शुरू की गई थी उस कौन सा था, तो उसका नाम था फिनो। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे क्या पूछा गया है,
डेवलप्ड द शाहीन ए मिसाइल, तो शाहीन जो ये फर्स्ट मिसाइल है इसका विकास किसने किया था? राष्ट्रीय रक्षा परिषद, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स ने, या फिर नेस्कॉम ने, या फिर नेस्काम काम ने, या फिर इन दोनों ने? तो अगर हम बात करेंगे शाहीन ए मिसाइल का विकास जो हमें देखने को मिलता है वो किसने किया था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, नेस्कॉम और नेस्कॉम ने, इन दोनों ने किया था, नेस्कॉम और नेस्कॉम इन दोनों ने किया था। इस वजह से आपका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर? याद रखना इसका आंसर आपका करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ, तो आप लोग यहाँ देख लो, तो शाहीन में जो एक मिसाइल हर तरह के हथियार पहुंचाने में सक्षम है, तो ये मिसाइल है ये क्या करता है, हथियार पहुंचाने में, ये डिलीवरी करता है हथियारों को, ये भूमि आधारित सुपर सैनिक मिसाइल है। याद रखना ये एक लैंड बेस्ड सुपर सोनिक मिसाइल थी। मिसाइल को पाकिस्तान और नेस्कॉम के राष्ट्रीय रक्षा परिषद के संयुक्त उद्यम द्वारा डिजाइन किया गया और इसको विकसित किया गया था, याद रखना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर पता होना चाहिए, इसलिए जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ इस क्वेश्चन से बेस्ड आपको नॉलेज दे सकूँ, ठीक है? तो इसीलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों होता है। नाउ ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जब तक मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ूंगी आपको इसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है? जब तक मैं यहाँ क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ कमेंट करके जल्दी से आंसर बताओ कि कौन है जो नवीनतम रोबोट सर्जरी सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला केंद्र सरकार का अस्पताल है। तो यहाँ पे डैश इज द फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन इंडिया टू स्टार्ट द लेटेस्ट रोबोट सर्जरी फैसिलिटी। आपके ऑप्शंस है सफदरजंग हॉस्पिटल, जो सही छवि है, करेक्ट इमेज है, दिल्ली सरकार का अस्पताल, या फिर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल, या फिर भगवान महावीर हॉस्पिटल। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा हॉस्पिटल है वो जो नवीनतम रोबोट सर्जरी सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला केंद्र सरकार का अस्पताल बना। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, रिसेंटली की बात है, आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता भी होना चाहिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सफदरजंग हॉस्पिटल, करेक्ट इमेज। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हॉस्पिटल क्या है आप लोगों का, भारत का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा है जो कि रोबोट सर्जरी फैसिलिटी के लिए ये क्या माना जाता है, इसने सुविधा शुरू की थी। क्लियर हो गया? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक मिसाइल के ऊपर है। विच कंट्री इज टू बाय ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया, कौन सा देश भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा, कौन सा देश, ठीक है? थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, या फिर श्रीलंका। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भारत की जो ये मिसाइल है ब्रह्मोस, ये कौन सा देश इसको खरीदेगा, कौन सा देश इसको खरीदने वाला है, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, या फिर श्रीलंका। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस है जो भारत के इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। तो फिलीपींस ने भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की अपनी योजना का खुलासा किया है, जिसे सभी चार प्लेटफॉर्म जो जहाज है उनका विमान है, पनडुब्बी या जमीन पर लॉन्च किया जा सकता है। फिलीपींस सेना के जो वाइस कमांडर आप लोग देखोगे ऑफ कौन थे, वो जनरल जनरल रोनाल्डो एक्विनो ने अपनी भारत यात्रा के दौरान ये घोषणा की थी। ये पॉइंट जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि फिलीपींस के किसने ये बात बोली थी। तो ये थे आपके जो मेजर जनरल है आपके रेनाल्डो एक्विनो, उन्होंने जब भारत में विजिट किया था तभी उन्होंने बात ये घोषणा कर दी थी। क्लियर हो गया? बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाउ मच परसेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी वॉज लेविड ऑन लॉटरी, तो लॉटरी पर कितने प्रतिशत जो है माल और सेवा के जो जीएसटी कर लगाया गया था, 5%, 12%, 18%, या फिर 28%? आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो ये जीएसटी स्टार्ट हुआ था वो कौन सी डेट में स्टार्ट हुआ था और कौन से ईयर में। तो आपको पूरा मुझे जल्दी से बताना है जीएसटी कब स्टार्ट हुआ था, पूरा डेट, मंथ एंड ईयर के साथ बताएंगे। तो लॉटरी पर अगर आप देखोगे तो 18% का जीएसटी लगाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सबका क्या होता है, सॉरी 28% का लगाया जाएगा, ठीक है?
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 28% का आप लोगों का जीएसटी का टैक्स लॉटरी पे लगाया गया है। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक आप सबको समझ में आया, ये जितने क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, रिसेंटली के क्वेश्चन है, आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर हो गया, ये रहा आज का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है और आप सब इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेम द ऐप विच इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस वायरलेस साइकोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द COVID-19 इफेक्टेड पेशेंट। आपको उस ऐप का नाम बताना है जो कि COVID-19 प्रभावित जो रोगियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी वायरस साइकोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, कोविड डीप, कोविड बीप, कोविड हिट या कोविड पुल, इसका आंसर आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए उस ऐप का क्या नाम है। ठीक है, तो सबके सब मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। कैसी लगी आज की क्लास, कितने आप लोगों ने स्कोर किया, आप लोगों से 25 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूछे थे, 25 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा, हो सके तो कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ आप बता सकते हैं करंट अफेयर्स के किस टॉपिक पे आप लोग आगे वीडियोस चाहते हैं, आगे आप क्वेश्चंस चाहते हैं, तो उसी पे क्वेश्चंस लाया जाएगा, किस में आपको किस टॉपिक में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है और आपको उस पर क्वेश्चंस चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आपको कुछ भी अगर ऐसे ही हमारी जीएस के क्लासेस चलती रहेंगी, करंट अफेयर्स भी हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके लिए चैनल पे बने रहो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके सारे कमेंट के रिप्लाई हम लोग यहाँ टाइम टू टाइम जरूर देते हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास कैसी रही, कितने अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।